हेलो दोस्तों, मैं स्टडी विद सुजाता उपाध्याय चैनल से सुजाता हूँ। मैं आज आपको सामान्य विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले आई हूँ, वो पढ़ाने वाली हूँ। ये टोटल 15 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको मेरे और भी वीडियो देखने हैं, जैसे हिंदी व्याकरण से, मनोविज्ञान से, पर्यावरण से, इतिहास से, तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक राइट ऑप्शन है, तो आप लोग भी गेस करके बताइए इसकी आप कौन सा राइट आंसर है, फिर मैं आपको राइट आंसर मिल बताऊंगी। तो आप लोग मैच करिएगा कि सही बताया है कि नहीं बताया आप लोगों ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये आपके चार ऑप्शन है, पहला है चैडविक, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है बोर और चौथा है न्यूटन ने। तो बताइए आप लोग भी कौन सा राइट आंसर है क्या चारों में से, तो फिर मैं भी बताऊं। तो चलिए मैं बता देती हूं। तो पहला आपका चैडविक राइट आंसर है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि गैस इंजन की खोज किसने की। इसमें भी आपके चार ऑप्शन हैं, पहला है डीजल, दूसरा है डेवी, तीसरा है डैमलर और चौथा है चार्ल्स। तो इसमें भी आपका राइट आंसर है, आप लोग सोच लो फिर मैं बोलूँ। तो ठीक है, मैं बताती हूँ, इसमें आपका चार्ल्स राइट आंसर है। थर्ड आपका है क्वेश्चन कि वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, या सी पोटेंशियोमीटर, या डी लैक्टोमीटर। तो आप लोग जल्दी जल्दी सोचो फिर मैं बताऊँ। तो चलिए बता देती हूँ, उसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर है। तो जो वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता है, यह हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। और जो आपका ऑप्शन में हाइड्रोमीटर दिया है, इसके द्वारा द्रवों के सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापा जाता है। अब इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। ऑप्शन आपके चार हैं, ए रेत, बी हीरा, सी संगमरमर, या डी शक्कर। तो इसका राइट आंसर है ए रेत। उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर वाले क्वेश्चन पे सॉरी आ जाते हैं, जिसमें है जीव विज्ञान अध्ययन करता है। आपको बताना है जीव विज्ञान अध्ययन करता है तो क्या केवल जीवित प्राणियों का, या केवल जीवित वनस्पति का, या जीवित और मृत जानवर दोनों का, या जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर है केवल जीवित प्राणी का। तो जीव विज्ञान जो है ये सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान का विभाजन विज्ञान की दो शाखाओं में किया जाता है, एक जंतु विज्ञान जो जंतुओं का अध्ययन करता है, एक वनस्पति विज्ञान जो वनस्पतियों का अध्ययन करता है। तो ये आपके पांच क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग सिक्स नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और सिक्स वाले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया है सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। आपको बताना है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आँख द्वारा, या कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, या हैंड लेंस द्वारा, या इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आपका सातवां नंबर का क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। ये आपको बताना है कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है पाल एहरलिच, या दूसरा है जॉन सार्क, या तीसरा है लुई पेस्टर, या चौथा है जोसेफ लिस्टर। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क ने किया था। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आठ का कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत बताना है आपको। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सेब, या बी आम, या सी आंवला, या डी दूध। तो इसमें सबसे ज़्यादा राइट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है आप बताएँ। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसका रासायनिक नाम है एक्सक्राबिक एसिड, और इसके अम्ल स्रोत हैं संतरा, नींबू, पत्तेदार सब्जियां,
टमाटर, अंकुरित अनाज एवं आलू, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नाइन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये आपके चार ऑप्शन है, पहला सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम या डी लोहा। तो इसमें राइट आंसर है सी पोटेशियम। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है कि मानव के शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ रहता है? ऑप्शन है कृत में, या आमाशय में, या तिल्ली में, या उधर में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। उसके बाद हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें दिया है नहीं होता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, ए है प्लेग, बी पित्तज्वर, सी मलेरिया या डी डेंगू। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है? तो इसमें से राइट आंसर है ए प्लेग। ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए। हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग को बताना है 12 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग पढ़ देख लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, आपको बताना है चारों में से किससे बना होता है? ए मैग्नीशियम, बी लोहे, सी नाइक्रोम या डी टंगस्टन। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है चारों में से? तो फिर मैं बताऊँ, ठीक है दोस्तों? तो चारों में से डी ऑप्शन आपका सही है, टंगस्टन। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, आपको बताना है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और बी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या सी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या डी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो बताएं इसका क्या है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 14, धूप के चश्मे की पावर होती है, आपको बताना है धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, या 1 डायोप्टर, या 2 डायोप्टर, या 4 डायोप्टर। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है? तो इसमें का राइट आंसर है 0 डायोप्टर। आइए आपका 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें दिया है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या बी ऑप्शन है ये आँखों के लिए आरामदायक है, या सी ऑप्शन है इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव है, या डी ऑप्शन है हवा द्वारा इसका अवशोषण कम होता है। तो ये आपके चार ऑप्शन है, तो बताएं इसमें राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो चलिए मैं बताती हूँ, इसका राइट आंसर है ए, इसका प्रकरण सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे जो मैं लेके आई आपको पढ़ाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।